कि आपका प्यार आपका जानी दोस्त और सच्चा जोड़ीदार है। इस वीडियो के सवालात के जवाब देने के बाद आप ये जान सकेंगे कि जिसे आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, वो आपका जानी दोस्त और आपका सच्चा जोड़ीदार है। इस वीडियो के सही होने के 80% तक इम्कानात हैं। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तरीका ये कि आपसे 10 सवालात किए जाएंगे। हर सवाल के 3, 4 या 5 ऑप्शन हैं, कोई एक सिलेक्ट करना है। सवाल का जवाब देने में देर लगे तो वीडियो को रोक लें। जवाब ईमानदारी से देने हैं और जवाब देने के बाद बदलना नहीं है, वरना रिजल्ट दुरुस्त नहीं आएगा। तो आए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, जब आप उसके साथ होती हैं तो कितना नॉर्मल होती हैं? ए, मैं उससे बात नहीं करती। बी, नर्वस होती हूँ। सी, कभी कभी नॉर्मल वरना परेशान जगह की मुनासिबत से। डी, बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती, घबराती हूँ। ई, बिल्कुल नॉर्मल। सवाल नंबर 2, आप उससे प्यार करती हैं तो उसे कौन सा ग्रेड देंगी? ए, A1 ग्रेड। बी, ए ग्रेड। सी, बी ग्रेड। डी, सी ग्रेड या कोई ग्रेड नहीं। सवाल नंबर 3, लेला, क्या आपको उस पर एतबार है? ए, नहीं। बी, थोड़ा सा। सी, हाँ। डी, बिल्कुल नहीं। सवाल नंबर 4, उसे देखते वक्त आप शर्मा कर नजरें नीचे कर लेती हैं? ए, कभी कभी। बी, हाँ अक्सर। सी, नहीं। डी, मुझे उसकी आंखों में देखने से डर लगता है। ई, मैं तो उसे देख ही नहीं पाती शर्म के मारे। सवाल नंबर 5, लेला, आप उस पर कितना शक करती हैं? ए, बिल्कुल नहीं। बी, हमेशा हर वक्त झूठा कहीं का। सी, थोड़ा बहुत। सवाल नंबर 6, क्या आपके पास वो सारी खूबियां हैं जो होनी चाहिए? ए, शायद। बी, कुछ कुछ। सी, हाँ सारी खूबियां हैं। डी, मुझे नहीं पता। सवाल नंबर 7, मेकअप करते वक्त आप कैसा महसूस करती हैं? ए, तन्हा परेशान। बी, नॉर्मल पुरसुकून। सी, पुरअमन खुश। सवाल नंबर 8, क्या कभी आपको मोहब्बत में नाकामी हुई? ए, शायद। बी, बिल्कुल नहीं। सी, हाँ बहुत बार। सवाल नंबर 9, मुश्किल सवाल, आपके लिए इनमें से ज्यादा क्या अहम है? ए, मेरे दोस्त मेरी फैमिली। बी, मेरी तालीम मेरा कैरियर मेरी जॉब।
सी मेरा महबूब मेरा प्यार, डी मंदरजा बाला में से कुछ भी नहीं। सवाल नंबर 10, क्या आपके प्यार में कम से कम 3 खराबियां हैं? ए हाँ, बी उसमें कोई खराबी नहीं है, सी हाँ लेकिन उसकी खराबी उसके ऐप भी मुझे अच्छे लगते हैं, डी मुझे ठीक से नहीं पता। अब आप टोटल कर लें। रिजल्ट्स, अगर आपके पॉइंट 10 और 17 के बीच हैं तो वो आपका प्यार आपका जानी दोस्त नहीं है। पहले एक दूसरे को अच्छे से जान ले, यही आपके हक में बेहतर है। अगर आपके पॉइंट्स 18 और 26 के बीच हैं तो आप उसको लेकर जज्बाती ना हो। इस बात के बहुत ही कम इम्कान आते हैं कि वो आपका प्यार आपका जानी दोस्त और सच्चा जोड़ीदार है। अगर आपके पॉइंट्स 27 और 35 के बीच है तो उसमें कुछ मुसब्बत अलामात हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन फिर भी उसके बारे में जल्दी में कोई फैसला ना लें क्योंकि इस बात के 50% तक इम्कानात हैं कि वो आपका प्यार आपका जानी दोस्त और सच्चा जोड़ीदार है। अगर आपके पॉइंट 36 और 44 के बीच हैं तो इस बात के यकीनी इम्कान आते हैं कि वो आपका प्यार आपका जानी दोस्त और सच्चा जोड़ीदार है। अगर आपके पॉइंट्स 45 या ज़्यादा हैं तो आप दोनों के दिल मिले हुए हैं, आप दोनों दो जिस्म एक जान हैं, आप यकीनन नसीब वाले हैं और वो आपका प्यार आपका जानी दोस्त और सच्चा जोड़ीदार है। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से ही होता है हमारे जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत ही शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।